बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उमर फ्रॉम कार मास्टर। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे MG6 सेडान कार के बारे में, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च होने ही वाली है। इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स मिलेंगे, कौन सा इंजन दिया जाएगा, क्या प्राइस टैग होगा, कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, सारी डिटेल्स हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो लोग होंडा सिविक और टोयोटा ग्रैंडेयर लेने वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देने वाली है उन दोनों गाड़ियों को, और साथ साथ ही हुंडई इलेंट्रा को जो 21 तारीख को लॉन्च होने वाली है। जी तो आते हैं गाड़ी की तरफ वापस। इस गाड़ी के अंदर हमें मिलेगा 1500 सीसी का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 170 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, जो कि 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा। अब यहाँ पे इंजन की वजह से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देगी उन तीनों कंपनीज को, क्योंकि होंडा और टोयोटा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वो कंपनी तो एक ही चीज़ लेके आई जा रही हैं साला साल, 3-4 साल से वो एक ही शेप दे रहे हैं। अगर हम बात करें हुंडई इलेंट्रा की, तो उसके अंदर हमें मिलेगा 2000 सीसी का इंजन, जो कि पाकिस्तान में फ्यूल एवरेज वगैरह को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैसी नहीं बनेगी जो कि MG6 की बनेगी, क्योंकि MG के अंदर हमें सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। MG के अंदर हमें 1500 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि इस गाड़ी को सेल्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा इस गाड़ी को। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें 6 एयरबैग्स, ABS वगैरह के फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी जो भी फीचर्स होंगे जब गाड़ी लॉन्चिंग टाइम पर आएगी तो तब आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें इसके साइलेंट फीचर्स की, तो 16 इंच के अलॉय व्हील्स, पावर विंडोज, पावर स्टेयरिंग, लेदर सीटिंग, सनरूफ, रेयर पार्किंग सेंसर, कैमरा, क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च कब होगी, तो सोर्स के मुताबिक इस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट में नेक्स्ट मंथ के एंड तक लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा टफ कम्पिटिशन देने वाली है सेडान कैटेगरी को। अब हम बात करते हैं कि इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में क्या रखी जाएगी। इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 32 से 35 लाख रुपए होगी, जो कि होंडा सिविक और टोयोटा ग्रैंडेयर से काफ़ी ज़्यादा कम होगी। एक न्यू शेप है, लोग इसकी तरफ आएंगे क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा फीचर्स दिए जा रहे हैं, न्यू लुक्स तो हमें इसमें मिल ही रही हैं। वैसे भी MG के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बुकिंग उनकी चल रही हैं। आप क्या कहते हैं, आप 32 लाख में इस गाड़ी को खरीदेंगे या नहीं, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हाजिर हूँ बेहतर अच्छी वीडियो के साथ। दिस इज मी उमर साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर दें।